जय हिंद एवरीवन। भाई आज के ब्लॉग में आप लोग लास्ट तक बने रहना, क्योंकि आज मैं आप लोगों को एनएसजी कमांडो वाले भैया से मिलाऊंगा, ठीक है। जैसे वो ड्यूटी पर थे और उनको कुछ दिन का छुट्टी मिला है, तो आज ग्राउंड पर आएंगे, क्योंकि हमारे पास अभी फ़ोन भी किए थे। अभी हम भी ग्राउंड पर चले हैं। अभी देखो मैं घर पर हूँ और अब घर से निकलने चला हूँ, तो इस वीडियो से आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलने वाला है, और क्योंकि एक कमांडो से मिलने जा रहे हो आप लोग। अभी चलते हैं, देखो अपना R15 उधर पड़ा हुआ है और ये अभी थोड़ा बांधना है, ठीक है ना, उसके बाद से फिर निकल रहे हैं। अभी भैंस के लिए थोड़ा छाटी बांधने, उसके बाद से फिर ग्राउंड पर चलते हैं। अभी देखो अपने खुद मशीन बनना पड़ता है यार, और पता है ये एक दिन का काम नहीं रहता है, रेगुलर का काम रहता है, रोज का काम रहता है। ग्राउंड पर जाने से पहले छाटी बांध लो, फिर सुबह में छाटी बांध लो, तो अपने खुद मशीन बनना पड़ता है। और जितने भी भाई गांव से रहते हैं ना, सभी लोगों के घर भैंस रहती है, गाय रहती है, वैसे ही काम करना पड़ता है भाई। अभी 5 मिनट का काम है, 5 मिनट में पूरा का पूरा काम ख़त्म, क्योंकि सुबह शाम छाती बालते बालते बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस हो गया है भाई। और देखो प्रैक्टिस से कुछ भी हो सकता है। और आप लोग भी कमेंट करके बताना कितने भाई गांव से हो और इस तरह छाती बालते हो, फिर ग्राउंड पर रनिंग करने जाते हो। और ये जो घास लग रहा है ना, अभी तो मतलब खेतों में घास उगी हुई है, लेकिन जब खेतों में घास नहीं रहती है ना, तो कम से कम 10 किलोमीटर दूर जाने पड़ता है घास काटने के लिए, क्योंकि हम लोग के पास उतना मतलब खेत भी नहीं है कि भैंस के लिए बोएंगे, अपने लिए बोते हैं। आधा से अधिक ख़त्म हो गया है और थोड़ा बहुत बाकी है, तो उसको भी ख़त्म होने में टाइम नहीं लगेगा। और पता है पहलवान भाई गांव के बाहर आकर इंतज़ार कर रहा है, जब वो घर से निकलता है तभी फ़ोन करता है, और जब गाँव के बाहर आ जाता है ना, तब मैं अपना काम करना चालू करता हूँ, तो रेगुलर गुस्सा होता है। अभी जाते हैं, देखते हैं, पहलवान भाई अपना इंतज़ार कर रहा है और देखो ख़त्म भी होने वाला है। आप लोग नीचे देख सकते हो कितना नीचे आप लोग देख सकते हो, पूरा छाती बाल चुका हूँ। तो अभी ग्राउंड पर जाएंगे और देखते हैं, वहाँ एनएसजी कमांडो भैया भी इंतज़ार कर रहे हैं और गाँव के बाहर पहलवान भाई भी इंतज़ार कर रहा है। तो मैं थोड़ा इंतज़ार ज़्यादा करवाता हूँ भाई, क्योंकि थोड़ा काम मैं करने लगता हूँ, इसलिए लेट हो जा रहा है। और देखो जिस तरह रनिंग करते टाइम 100 मीटर बचता है ना, 200 मीटर बचता है फिनिशिंग उठाते हैं, तो ऐसे छाती बालते टाइम भी फिनिशिंग उठाते हैं। देखो अभी पूरा ख़त्म हो चुका है और पूरा देखो एक दिन का काम चल जाएगा, फिर कल इसी तरह बालना पड़ेगा, रेगुलर इसी तरह बालना पड़ता है भाई। भाई देखो अभी पहलवान भाई मिल चुका है, ठीक है, और ये अपना R15 है, तो अभी चलते हैं, अपना एनएसजी भैया इंतज़ार कर रहे हैं और कई बार फ़ोन भी कर चुके हैं। पता है जैसे घर पर थोड़ा छाती बांधना था ना भैंस के लिए, इसलिए थोड़ा लेट हो गया है, तो बार बार फ़ोन कर रहे हैं। और देखो यार आप लोग भी अपना तैयारी करते रहो, ठीक है ना, अब देखा जाएगा यार, अपने तरफ से पूरा फुल कोशिश करो, कोई अमीर घर का नहीं रहता है, ठीक है, सभी लोगों की यही कहानी है भाई, तो इसलिए रेगुलर अपना प्रैक्टिस करते रहो, रेगुलर रनिंग करते रहो। और अभी चलते हैं, हम लोग भी पहलवान भाई मिल चुका है और बहुत सर्दी है यार, तो थोड़ा नाक से पानी भी आ रहा है, अपने पहलवान भाई के नाक पर पानी झलक रहा है। अभी बहुत सर्दी है हमारे तरफ, जैसे धूप तो हुआ है, लेकिन पता है भाई ये जैसे हवा बह रहा है ना, जिसकी वजह से यार पूरा का पूरा बहुत ठंडा लग रहा है, लेकिन फिर भी ग्राउंड तो नहीं छूटने वाला है, कुछ भी हो जाए, पानी तूफान बारिश बाढ़ धूप भूकंप कुछ भी हो जाए भाई, ग्राउंड नहीं छोड़ेंगे, अपना अपनी वाली करते रहेंगे, कोई कुछ भी बोलेगा, अब देखा जाएगा यार, जो होगा वो तो होगा ही होगा, लेकिन वो यूनिफॉर्म चाहिए इंडियन आर्मी की। तो चलते हैं, ठीक है ना, अभी ग्राउंड पर चले हैं, क्योंकि हम लोग भी आप यहाँ तक ब्लैक कैट एनएसजी कमांडो वाले भैया ग्राउंड पर आ चुके हैं और देखो हम लोग के साथ ही मैच खेल रहे हैं। यहाँ आप लोग देख सकते हो एनएसजी ब्लैक कैट, तो ये सबको नहीं मिलता है भाई। और अभी भैया को ज़्यादा दिन तक रहना है, तो किसी दिन मैं आप लोगों से मिलाऊंगा ज़रूर, किसी दिन मैं लाइव आऊँगा। और देखो पहलवान भाई बॉलिंग कर रहा है और ये बैटिंग कर रहे हैं, तो अभी हम लोग लिखा कर खेलेंगे। देखो अभी हम लोग 10-10 रुपये का मैच लिखाए हैं भाई, और एनएसजी कमांडो भैया वहाँ पर हैं और हमको यहाँ उतार दिए हैं, और मैं मैच नहीं खेल पाता हूँ, फिर भी आप देखते हैं, थोड़ा बहुत तो खेल ही लेता हूँ, लेकिन उतना नहीं खेल पाता हूँ, गेना से बहुत डर लगता है यार। अभी एनएसजी कमांडो भैया आएंगे, क्योंकि एक गेना लगा है। और देखो जो हम लोगों से मैच लिखाया है सब ना, वो ग्राउंड पर रनिंग नहीं करते हैं, सब छोटे छोटे लड़के हैं सब, तो वो बोल रहे हैं सब कि आर्मी वाले मैच खेल रहे हैं सब,
ये कमांडो भैया खेल रहे हैं ना, तो इन्हीं को देख कर बोल रहे हैं ऐसा। अभी देखो ये किस तरह खेलते हैं। ये भी अब मान लो ड्यूटी करते होंगे तो अच्छा नहीं मैच खेलते हैं, इसीलिए तो हम लोग 10-10 रुपये का लिखाया है। इस ओवर में तो मुझे 6 रन मारना है भाई, क्योंकि अभी पहलवान भाई बहुत गुस्से में है। उसको एक भी गेना खेलने को नहीं मिला है, बस फील्डिंग किया है और हम लोग सारा गेना खा चुके हैं। देखो अभी एनएसजी कमांडो भैया एक रन दिए हैं। और पता है ये भैया जब हम लोग के साथ मैच खेलते हैं ना, तो किसी को लगता ही नहीं है कि ये कमांडो हैं, जैसे दाढ़ी मोच बहुत बड़ा बड़ा रहता है। और जब ये पहली बार ग्राउंड पर आए थे तब मैं वीडियो बनाया था, तो कुछ भाई बोल रहे थे कि नहीं ये कमांडो नहीं है, नहीं ये कमांडो नहीं है। उसके बाद जब मैं बताया, जब सब दिखाया प्रूफ के साथ, तो उसके बाद से तब माने सब कि हाँ ये भैया कमांडो हैं। तो काफ़ी अच्छा लगता है। देखो मैं 6 रन मार दिया भाई, पलवान भाई खुश। हाँ देखो यार, जब छुट्टी पर आते हैं तो ऐसे ही हम लोग के साथ मैच खेलते हैं और ग्राउंड पर बहुत ज़्यादा टाइम बिताते हैं और कुछ बातें बताते हैं कि हाँ मेहनत करते रहो। पहले वो भी इसी तरह मेहनत करते थे, अभी पता है जैसे उनके पास NCC था, अपना दौड़ उनका बहुत हार था भाई। ऐसे ही ग्राउंड पर आते थे, सभी लोगों में रहते थे, तैयारी करते थे और जाते थे। लेकिन हाँ, आप लोग कभी भी देखना, जो सक्सेस हो गया रहता है ना, उसके अंदर एक बात कॉमन रहती है यार, वो कभी भी भीड़ से अलग रहता है और उसका सोच बहुत अलग रहता है भाई। तो इसलिए वो आते थे, देखो उनका कभी भी टाइमिंग पता है 4:40, मतलब ऐसे ही आता था 4:45, और काफ़ी ज़्यादा मेहनत किए और उसके बाद से अपना दौड़ निकाले। और NCCC था, इंडियन आर्मी GD में पहले सिलेक्टेड हुए हैं और GD से फिर NSG कमांडो में, मतलब ऐसे अंदर प्रोसेस होता रहता है। जब आप इंडियन आर्मी में सिलेक्शन हो जाएगा ना, तो अंदर मतलब प्रोसेस होता रहता है, पैरा कमांडो, NSG कमांडो, ये सब बनने का चांस मिलता है भाई। तो काफ़ी अच्छा लगता है, कोई भी भाई जब हम लोग के साथ है, यहाँ मान लो रहते हैं सब, और वापस जब फौजी बनकर ट्रेनिंग फाइनल करके वहाँ से जब फिर वापस गांव में आते हैं सब ना, और ग्राउंड पर आते हैं, देखो कुछ लोग रहते हैं जो नहीं पहचानते हैं, नहीं चिन्हते हैं कि भाई जब फौजी बन जाते हैं तो यार मैं तो बहुत बड़ा आदमी बन गया हूँ, तो उन लोगों से कुछ मतलब भी नहीं रहता है भाई। देखो जो नहीं पहचानता है, करोड़पति रहेगा या कुछ भी रहेगा, जो भाई अपने को नहीं पहचानेगा, अपने से बात नहीं करेगा, तो फिर अपना दिल कैसे करेगा भाई उससे बात करने को। और जो भाई मतलब कुछ भी नहीं किसी भाई के पास रहता है, दिल से अच्छे से बात कर लेता है ना, तो यार दिल को बहुत सुकून आता है और उससे मतलब बहुत लगाव हो जाता है। तो यही रहता है, जो भाई फौजी बनकर आता है, बात करता है, बहुत अच्छा लगता है भाई, साथ बिताता है, तो ऐसा लगता है यार हम लोग का भी सिलेक्शन होगा और थोड़ा अंदर से मोटिवेशन मिलता है भाई जब साथ में ऐसे खेलते वेलते हैं सब। तो और किसी को लगता नहीं है जो भैया हम लोग के साथ खेल रहे हैं, देखो मैं उनसे कभी बुलवाऊंगा सामने, लेकिन पता है जैसे थोड़ा रिक्स होता है ना, मतलब सामने नहीं वो लोग आते हैं, तो इसलिए भाई जैसे सामने नहीं बुला पाता हूँ, लेकिन बुलाऊंगा जरूर, ठीक है ना। बोलते हैं कभी मैं आकर जैसे सामने बोलूँगा, लाइव भी बात कर लेंगे, तो थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिलता है। और आप लोग भी तैयारी करते रहो यार, देखो कोई जैसे ऐसा नहीं रहता, हम ही लोग में से फौजी बनते हैं सब, इसी तरह ग्राउंड पर आकर मेहनत करते हैं, तैयारी करते हैं, तो हम ही लोगों में से बन जाते हैं, फिर छुट्टी पर आते हैं। और ये बलिराम भाई भी फौजी बनने का रेस मारता है बहुत हार्ड, ठीक है ना, एक्सीलेंटर वो आया है। तो चलो ठीक है भाई लोग, जय हिंद। अभी तो आए हैं, अभी काफ़ी दिन तक रहेंगे, और देखा जाएगा, मिलाऊँगा जरूर, ठीक है ना।